पर्सनालिटीज आपकी बताई, एक तो बेहद इमोशनल, एक कड़ा प्रशासक, लेकिन आपके विरोधी इन दोनों के इतर एक ऐसी इमेज आपकी उकेरते हैं जिसमें आप ऑटोक्रेट हैं, तानाशाह हैं, जहां आपके कोई राजनीतिक साथी साथ नहीं होते हैं, आप किसी का साथ पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये आदमी क्या समझेगा परिवार, इसका तो परिवार ही नहीं है। सचमुच में सवाल उनको पूछना चाहिए कि आप देश के लिए निकले हो, परिवार के बाहर कब निकलोगे, ये सवाल उनको पूछना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी का पूरा कैंपेन फैमिली कैंपेन बन गया है, बाकी सारे दल इंडिया अलायंस के हैं। आप तमिलनाडु देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था। आप कर्नाटका देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था। आप आंध्र देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था। आप तेलुगु तेलंगाना देखिए, परिवार कैंपेन। आप उत्तर प्रदेश देखिए, दो परिवार कैंपेन कर। जम्मू कश्मीर देखिए, दो परिवार कैंपेन कर रहे हैं। सवाल मीडिया के उनको होने चाहिए कि क्या हुआ कि इतने साल के बाद भी आप परिवार से बाहर निकल क्यों नहीं पाते हो। मैं परिवार से जुड़ा नहीं हूं, ये गुना नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। ये लोकतंत्र की सबसे ऊंची अमानत है कि जो इंसान अपने परिवार के लिए नहीं जीता है, जो इंसान देश को अपना परिवार मानता है, मेरा भारत मेरा परिवार, उसके लिए जीता है। अब ये क्वेश्चन मार्क लग जाए तब मुझे होता है कि क्या इरादे होंगे। आपको तकलीफ होती है इस बात को लेकर कि ये आइडियोलॉजिकल वॉर कम है, वैचारिक जो लड़ाई है वो कम है, आपसे नफरत ज्यादा है। मतलब अगर ये मोदी ने किया है तो पक्का कुछ गड़बड़ है इसकी, इसमें कुछ खराब है। कठिनाई ये है कि जब इंसान तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर और जमीनी हकीकतों के आधार पर पूरी प्रकार से निराश हो चुका है, होता है कुछ हाथ नहीं लगता है, तब वो टेबल पर छाड़ता रहता है, चिल्लाता रहता है, अनाप शनाप बोलता रहता है। अब मेरे सामने दो रास्ते हैं कि जो हो हल्ला हो रहा है, मैं अपना ध्यान उसमें केंद्रित करूं कि मैं जिस संकल्प को लेकर के चला हूं, मैं अपने आप को वहां समर्पित करूं। तो मैंने अपने आप को अपने संकल्पों के लिए समर्पित कर दिया है और मैं योग का इंसान हूँ, मैं ध्यान को जीता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, यानी मैं ध्यान को जीता हूँ। और इसलिए कितनी ही कोलाहल के बीच में मैं अपने आप को निर्विकल्प निराकार संकल्प के साथ जुड़ा हुआ है चला जा रहा हूँ। मुझे आपको ये एहसास नहीं हो, मतलब आपको आपको सच में तकलीफ नहीं होती? आप वाहिद ऐसे शख्स हैं पॉलिटिकली जिसको इतना कोसा गया है, और ये अतिशयोक्ति नहीं है जब मैं आपसे कह रही हूँ। मतलब आप किसी भी पर्सनालिटी को सोचिए तो उसको उसको विपक्ष की तरफ से ऐसे नहीं कोसा गया जैसे आपको कोसा गया है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि निंदक नियरे राखिए, और मैं ये साफ मानता हूँ अगर इतने आलोचक न होते, टीवी मीडिया का उस जमाने में थोड़ा कम था, लेकिन जो भी बैठे थे वो एक विचारधारा से प्रेरित लोग थे, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि आदमी को गालियां दे दे करके हम इस पूरे एक इंस्टीट्यूट को और पूरे एक विचार प्रभाव को ही तबाह कर देंगे। ये भूल गए कि उन्होंने ऐसा करके मुझे बहुत बड़ा बढ़ा दिया, वरना मुझे कौन जानता था ये गालियों देने के कारण। और इसलिए मैं आपको आश्चर्य, मैं गुजरात में पब्लिक मीटिंग करता था ना, तो मैं पूछता था कि कोई काले झंडे वाला आया है कि नहीं आया है। तो फिर वो मेरे सामने, मैंने कहा भाई दो चार काले झंडे वाले लाइए, तभी तो कल अखबार में आएगा कि मोदी जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया। मैंने कहा एक लाइन नहीं छपेगी, दो चार काले झंडे वाले रखो भाई, क्योंकि मेरा पॉजिटिव प्रचार संभव ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई नेगेटिव वाला आ जाएगा तो कम से कम ये खबर आएगी कि मैं मोदी उस गांव में वो कार्यक्रम कर रहा था, क्या कर रहा था वो भी नहीं आया तो फिर कोई सोचेगा। एक बार मेरे यहाँ कुछ लोग आए गुजरात में, हाँ। वो कह रहे वो मिठाई विठाई लेकर के आए और 40-50
गांव के प्रधान आ गए, बोले हमारे गांव में 24 घंटे बिजली हो गई तो हम आपको सम्मान करने आए। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो, 24 घंटे बिजली हो ही नहीं सकती। नहीं, बोले हो गई है। मैंने कहा बताओ किस अखबार में छपा है, किसी टीवी में आया क्या? नहीं, बोले वो अखबार में तो नहीं आएगा। तो मैंने कहा आपकी बात मान लो, बोले मान लो। चल, मैंने कहा चलो मिठाई खिलाओ। तो मैं इन चीजों से निकला हूँ, तो मैंने इसका आनंद लिया है। हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं मोदी जी, न्यूज 18 इंडिया का वो कार्यक्रम है मोदी वतन मुसलमान। हम ज्यादातर उन जगहों पर जाते हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में है। पहले आलम अलग था, और आज की तारीख में मैं आपको पूरी गंभीरता से और संजीदगी से कह सकती हूँ कि ऐसे ऐसे मुसलमान आगे आते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं। और एक उनका वाक्य है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, बड़ा जोर शोर से ऐसे करते हुए नजर आते हैं। बावजूद उसके आप उस धारणा को तोड़ने में क्या नाकामयाब रहे हैं कि मोदी मुसलमानों का नहीं है? पहली बात यह है कि ये मुद्दा मुसलमान का नहीं है। इंडिविजुअल मुसलमान कितना ही मोदी के साथ होगा, लेकिन एक निश्चित विचार प्रवाह है जो उनको आदेश करता है कि आप ये करो या वो करो, उसके आधार पर वो निर्णय करते हैं। जहाँ तक मोदी का सवाल है, तो मैं स्कूल में, एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्यौहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों, ताजिए के नीचे, हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा, आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पुराने। दूसरा, 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हो गई, खराब कर दी गई गोधरा के बाद। तो मैंने सोचा भाई जरा रियलिटी जाननी चाहिए,